मदरसे के मौलाना ने 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का किया प्रयास, आरोपी मौलाना गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक मदरसे के मौलाना ने 8 वर्ष की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसमें छात्रा की चीख पुकार पर और छात्र मौके पर पहुंच गए और आरोपी मौलाना को देख लिया। घटना की सूचना जब नाबालिग छात्रा के परिजनों को लगी तो उन्होंने अपनी बच्ची से घटना की जानकारी लेकर आरोपी मौलाना के खिलाफ थाना अजीम नगर में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने नाबालिग छात्रा के बयान दर्ज पर आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में कार्यवाही कर जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वही मौलाना की इस शर्मनाक कर देने वाली करतूत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। ये 8 साल की बच्ची है, मदरसे में पढ़ने जाती थी कारीताला से। तो बच्ची बता रही है कि 2 महीने से मेरे साथ गलत हरकतें कर रहे थे, लेकिन कल सुबह बच्ची के साथ ज़्यादा हरकतें की तो बच्ची ने आकर अपनी माँ से बताया, माँ ने हम लोगों को बताया, हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, पुलिस ने बयान लिए बच्ची के, उसके बाद हमसे बोले कि आप थाने आ जाओ। हम रात को 11 बजे थाने पहुँचे, हमने एप्लीकेशन दी और सुबह इसने मुकदमा दर्ज कर लिया। तो कितने साल से ये मदरसे पढ़ा रही है? ये मदरसे में लगभग 5 साल से पढ़ा रहा है। तो क्या ये पहला वाक्य है इसका, और भी वाक्य? नहीं, इसके 3 वाक्य और हो चुके हैं पहले, लेकिन उसको दबा दिया गया है पैसा ले देकर के, लेकिन ये मामला जो है नहीं दबा। बच्ची ने बता दिया हिम्मत की, तभी ये मामला सामने आया। क्या बच्ची को कोई लालच देता है किसी तरीके का? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बच्ची से ये कहता था कि मेरे कमरे में आ जाओ और किसी से कहना मत, अगर कह दिया तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं। थाना अजीम नगर में एक लड़की जो मदरसे में पढ़ती है, 7-8 साल उसकी उम्र है, उसके परिजनों का आरोप है कि जो उसके टीचर हैं वहाँ, वो उसे सबक दोहराने के नाम पर बुलाते थे और बैग टच करते थे। लड़की ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई, परिवारजन ने यह तहरीर थाना अजीम नगर में दी। तत्काल इस पे IPC और पोस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और शाम तक पुलिस को अभियुक्त को गिरफ्तार करने में भी सफल रहा।